बड़ी खबर करूं करते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का सेशन आउट हो गया है, अचानक लोग आउट हुए अकाउंट और फिर से नहीं हो पा रहे अकाउंट लॉगिन। दरअसल आप कह सकते हैं कि ये हैंग हो गया है, टेक्निकल इश्यू। अमूमन सोशल साइट्स पर आते हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट नीलेश पुरोहित जी जुड़ गए हैं। नीलेश जी बताइए, क्या कारण हो सकता है कि अचानक से मोबाइल से सेशन आउट हो गए और दोबारा लॉगिन नहीं हो रहे? देखिए ऐसा है विजेंद्र जी कि फेसबुक और जैसी टेक कंपनियों में लगातार सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का काम चलता रहता है। नए नए फीचर्स को जोड़ने के लिए, सुरक्षा संबंधी पैचेस के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का काम हमेशा चलता रहता है। ऐसा लगता है कि अब से कुछ देर पहले कोई सॉफ्टवेयर में दिक्कत के चलते अमेरिका से इसमें कैलिफोर्निया में जहाँ फेसबुक का जो सर्वर है, जिसे हम मेटा भी कहते हैं, मेटा कंपनी का जो सर्वर है, डाउन हो गया है। और इस वजह से बहुत सारे देशों में, भारत में हर किसी व्यक्ति के जो है, जहां से सूचनाएं मिल रही हैं, उनके फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम लॉग आउट हो गए हैं ऑटोमेटिकली। और जब दोबारा लॉग इन करने की कोशिश करते हैं तो पासवर्ड भी या तो गलत बताता है या उसका जो कोड है ऑथेंटिकेशन वो नहीं मिल रहा है। तो इससे लोगों में थोड़ा डर चल रहा है, लोगों को पता नहीं लग रहा है कि ये कई लोगों को लग रहा है ये हैक हो गया। ये किसी तरह की हैकिंग नहीं है, फेसबुक में किसी तरह की समस्या है जो थोड़ी देर में, कुछ घंटे में इसको सुलझा ली जाएगी। ऐसे में लोगों को घबराना नहीं चाहिए, ये कोई भी तरह की। ठीक है नीलेश जी, और अपने दर्शकों को ये भी बता दे भाई कि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से रन होते हैं और वो मेटा है। अगर एक हैक होगा या एक में प्रॉब्लम आएगी तो दोनों में आएगी। जी सर, ऐसा है कि ये जो पेरेंट कंपनी मेटा है और उसी का प्रोडक्ट है फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह सारा। इनके जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं वो अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में लगे हुए होते हैं, लेकिन मास्टर कंट्रोल जो है वो इनका कैलिफोर्निया से होता है। अगर कैलिफोर्निया में इनके मास्टर सर्वर में जो कंट्रोल सर्वर है इनका, वहां पे अगर कोई भी तरह की समस्या होगी तो इसका असर कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखा जा सकता है, जिसमें व्हाट्सएप शामिल है, इंस्टाग्राम शामिल है। चलिए नीलेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और